जी आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, वो एथनिक थी दुकान, माय मिस्टेक, मैं जल्दी में कर लिया था। अच्छा यहाँ मैं बता रही हूँ कि मैंने ये जोड़ा जो है सफ़ायर का पहना हुआ है, क्योंकि आपको पता है ऑडियो का मसला हो गया तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे, फिर भी आप लोगों ने बहुत पसंद की वीडियो। और ये जो है सफ़ायर से लिया था मैंने, मुझे अच्छा लगा था, गला बहुत छोटा था तो मैंने दर्जी से थोड़ा सा बड़ा करवा लिया, बिल्कुल गर्दन से लगा होता पीछे पे। इट्स ऑल स्क्रीन प्रिंट है, ठीक है ना, कोई काम नहीं है, स्क्रीन प्रिंट है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था। अच्छा ये दुकान पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अब लेट मी सी, आई थिंक वही दुकान है जिस पे सब कुछ 50%, और ये एक कुछ नया सा नाम था इस दुकान का। अब आप लोग टैग्स अगर देख जाते हैं उसको स्टॉप करके और मैग्नीफाई करके देख लें, लेकिन मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं जो कि मैं 50% पे भी ले लेती, तो ये था। तो मैंने देखा भी, तो ये अब ये भी नहीं पता कि मैंने क्या इसमें कर रही हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं ये सारे कपड़े दे, मगर एवरीथिंग वॉज जस्ट 50%। जी ये ट्रेंड था, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उस दुकान का नाम। और ये सब मैंने देखे इसी बहाने, क्योंकि बहुत सी जगह जो है वो लोग अलाउ नहीं करते कैमरा, तो लेकिन फिर भी देखें ये वाला जोड़ा, ये सही था। मतलब 50% पे, ये 50% पे आई थिंक पता नहीं कितने का था, 2000 कुछ समथिंग का था, लेकिन सही का। आपको चीज़ें लेनी है तो यू कैन गो एंड यू नो कैप्चर। बस अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, बिल्कुल मेरी जो ना हिम्मत जवाब दे गई है, इतनी थक रहे हैं हम और सख्त प्यास लग रही है। ये भी नहीं है कि ऊपर फूड कोर्ट पे जाया जाए, क्योंकि शॉप्स और देखनी है, दिल नहीं चाह रहा कि शॉप्स को छोड़ूँ। तो यहाँ बैठ गए हैं, मैंने कहा प्लीज़ मुझे पानी दे दें, तो कहते ठीक है हम पानी ला देते हैं, भले मैंने कहा जो भी ग्लास हो उनके स्टील के ग्लास में धो के दे दें, मैंने पी ली। अच्छा यहाँ पर जो है ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये एसेंशियल्स जो है ये दुकान का नाम है, ये 1500 का कुर्ता, ये बिल्कुल ऐसी मैंने खाड़ी का टू पीस लिया था ना, तो ये 1500 का खाली कुर्ता रेड में अलीजे के लिए लिया है मैंने ना। अच्छा अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, दोबारा जो है हमने कहा, मैंने कहा शबाना चलो भाई अब जूस पी लेते हैं बस फ़ौरन, अब हिम्मत थोड़ी, पानी पिया हमने वहाँ पे, मैं कहा कौन सा जूस पीना है, तो मुझे कहने लगी कि नहीं या स्मूदी या कुछ भी मिल्क शेक, कहती है नहीं बाजी मुझे तो भूख लगी है। तो मैं कहा चलो चलो फिर डायरेक्ट, बस फिर हम डायरेक्ट जो है ना ऊपर फूड कोर्ट में जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा ये बच्चों का जो गेम सेंटर उसके बाहर का है, और ये ऊपर भी फूड कोर्ट के इधर भी दुकानें हैं। तो अब हम जो हैं फूड कोर्ट में जाकर खाना क्या है ये, क्योंकि सब थक गए थे और अब हमने सोचा कि ये आप देख सकते हैं उनके लिए जो लकी वन मॉल नहीं है, मुझे ताज्जुब है बहुत सी, मेरी दोस्त से तक नहीं आई लकी वन मॉल, दिस इज़ अमेजिंग। तो हिम्मत जवाब दे गई, ये ऑर्डर दे दिया मैंने बर्गर्स का, पूछा शबाना क्या चाहिए, कहते बाजी बर्गर खाना है, तो हमने हार्डीज़ का बर्गर ऑर्डर किया है। अब यहाँ पे मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, अगर मेरे फैंस आके करें मिलेंगे तो मैं तो जाहिर सी बात है मिलना है, तो चुपचाप बैठी हुई हूँ। ये हमारे बर्गर्स आ गए, जब खा लिया हमने तो एनर्जी आई, स्पेशली जब मैंने कोक भी पीना, फिर मुझे चाय, उफ इतने मज़े की चाय थी, ये टिपिकल जो है ना केतली है ना उसके अंदर पक रहे थे टी बैग्स, तो ऑटी भी चाय और साथ में इन्होंने वो एक पाउडर मिल्क डाल दिया एवरीडे, तो मज़ा आ गया था। 250 रुपये की चाय थी, अमूमन पकती नहीं ना तो मज़ा नहीं आता बगैर पकी हुई चाय, मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं मज़ा आता। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया कि मैं चाय भी पीऊँ, शबाना कहती मुझे नहीं चाहिए बस, मैं कहा आइसक्रीम खा लो, कहते नहीं वो भी नहीं चाहिए, तो वाओ देखा मज़ा आ गया, मैंने कहा ना बेहतरीन। जो अगर आप जाएं तो ऊपर की साइड फूड कोर्ट से एंटर होने से पहले ये चाय की दुकान है, तो आप ज़रूर चाय पिए, इसकी बहुत मज़े की चाय है। अच्छा जी अब क्योंकि अभी कुछ दुकानें बाकी हैं, देखिए यहाँ पर सैली टैक्स भी है, अक्सर किरण कपड़े पहनती है ना उसकी, ये मैंने इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस दुकान पर जाऊँ, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो जाऊँगी सैली टैक्स, क्योंकि मैं थक चुकी थी और मुझे जाना है खाड़ी के अंदर, खाड़ी एक्सप्लोर करना है। और नहीं खाड़ी नहीं, अभी तो मैं आप देखें जो आगे जो दुकान है वो बहुत अच्छी है, नेक्स्ट जो है मेरा ऑब्वियसली पता नहीं क्या मैं बातें कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके, मैं पे कह रही हूँ आ जाएं,
ये आप देख लें जी, ये बहुत बड़ा मॉल है, ज़रूर आइए। अब मैं जा रही हूँ लाइमलाइट। लाइमलाइट पे मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े मिले, क्योंकि मैं जो उधर नहीं है दो तलवार वाला, कहाँ पे, जहाँ पे ये है रेस्टोरेंट भी है और अल-फ़तह स्टोर्स, इसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी। इवन जिनको थोड़े बहुत ऐसे भी ना पार्टी वाले कपड़े चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो ये मैं देख रही थी, नॉट बैड, हाथ में चाय थी, ये मुझे ब्लू अच्छा लगा था द प्रिंट ना, तो फिर मैंने कहा, मतलब थोड़ा ढीला स्टाइल था और बहुत लंबा था, अब मैंने कितने क्या करना, तो ये था भी कुछ 4.5-5 हज़ार का, 2.5 हज़ार का तो ले लेती मैं। ये भी देखे ईद के आए हुए थे कपड़े, नॉट बैड, अच्छा मटेरियल, 3 पीस। इसकी प्राइस अब याद नहीं है, तो आप खुद जाएंगे तब आप देखें। ये तो मैंने वहाँ बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो बट इट वॉज़ गुड। अभी आप आगे और देखें। अच्छा, ये वाला तो मैंने यहाँ पे भी देखा है, अपने जो है ना अल-फ़तह स्क्वायर के उधर जो है बिलावल चौरंगी पे जो है लाइमलाइट, ये भी 5-5.5 हज़ार का है। ऊपर काम जो है ना ये थोड़ा उस टाइप का है, डोरी का। तो मैं कहा नहीं नहीं छोड़ो, इतने कपड़े हैं वो सस्ता, अच्छा ये भी नॉट बैड। जिसको शॉपिंग करनी कपड़ों की और वो चाहते हैं अपने वार्डरोब अंदर ज़रा इंक्रीज़ करना, तो वाकई अच्छा है। ऐसे लाहौर वाली भी जाओ तो वो भी वैरायटी है। अच्छा ये देखें, ये जो शर्ट है ना, ये इतना प्योर वो है शमोस, सॉफ्ट वाला, बिल्कुल जो यहाँ था ये लगता है जैसे कि प्योर शमोस का कपड़ा लग रहा है। और इस टाइप की शर्ट्स मैं USA से लेकर आई थी, क्या कहते हैं ये H&M, तो वो मैं सोची थी लूँ नहीं लूँ। ये देखें ये भी कितना प्यारा है, इसके अंदर पूरा काम है, मगर ये महंगे थे ज़रा, 9 हज़ार था, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या था इसका ना, तो नॉट बैड बट अच्छे थे ये। ये मैंने रखे हुए हैं कि देखो ट्राई करो। अच्छा ये सितारे हैं, सीक्वेंस इसके अंदर सारे, आई थिंक सो। ये मैक्सी है, अब आया स्टाइल ना मैक्सी, हाँ ये भी ऐसी थी। शबाना के बाजी अच्छी है, पहले आप ऐसे ही पहन लें और फिर आपको जब रिकॉर्डिंग्स में होता है ना, कभी हमें नाइट के सीन्स करने होते हैं जैसे कि सोकर उठें, तो मैंने कहा मैं रुक जाऊँ अभी कहाँ, ये भी हमारे फैंस मिल जाते हैं। ये वाला भी अच्छा लग रहा था। फिर ये देखिए ये बहुत अच्छा, ये भी मतलब 4.5 हज़ार का था, सिर्फ कुर्ता, पन्नी का काम है इसके अंदर, मगर ये शलवार पे अच्छा लगेगा, पैंट्स पे नहीं। अभी मैं जाके ट्राई भी करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा ट्रायल रूम में जाके आप देखें, वहाँ पे भी चैन नहीं पड़ा, आप लोगों के लिए मैंने कहा थोड़ा पहन कर हम देखें। ये भी दिखा रहे थे मुझे ये कि देखें ये भी अच्छा है, मगर अच्छे थे लेकिन थोड़े से ये 7.5 हज़ार, तो ये रेंज तो नहीं मेरे दिमाग में थी, बस ऐसी 3 और 4 के अंदर। देखिए मैंने पहन के देखा है, तो ऑब्वियसली ये ज़रा लेंथ शॉर्ट है, तो ये आप शलवार पे पहनेंगे जो जो भी ख़रीदे, मगर बुरा नहीं था। ये हल्की सी स्ट्राइप्स शर्ट है, पतला कपड़ा है, गला थोड़ा सा बहुत छोटा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं नहीं यार अभी नहीं लेना छोड़ो, लेकिन नॉट बैड, प्यारा काम था। ये देखे पन्नी का काम है सारा। अच्छा ये देखे मैक्सी, ये बिल्कुल हम दुबई से जाते थे मम्मी भी पहनती थी, और ये ना ये एज अ ड्रेस भी हम पहन सकते हैं। फिर मैंने कहा नहीं अभी खट्टा, जब पैसा खर्च करो तो ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिंट बहुत प्यारा लगा मुझे इस मैक्सी का, और सोचा कि लूँ नहीं लूँ, और जॉर्जेट मटेरियल इसका, डबल जॉर्जेट जो होता है ना। मैंने बाहर निकल के शबाना को बता, कहते हैं अम्बा जी बहुत अच्छे, मैं कह रही शबाना मैं नहीं ले रही। अच्छा ये भी शबाना ने कहा नहीं ये तो ले लेना प्लीज़ ले लें, बहुत अच्छा है, इसी टाइप का मैंने लिया हुआ है ना, और ये तो बहुत सस्ता पड़ा। ये भी कितनी 3-3.5 हज़ार की शर्ट थी, शमोस बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है इसका, तो फिर इंशाल्लाह जब पहनूंगी तैयार होंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल भी फिटिंग ज़रा सी साइड से लूज है, वो मैं सिलाई करवा लूँगी। ये अगर ये जोड़ा पहनूँ और इसके साथ ये मैचिंग के देखें एक्सेसरीज, ईयर रिंग्स, हाँ ये सारे जो हैं अपना। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो वैसे दिखाने के लिए कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, बस मैंने कहा शबाना अब चलो चलें, अभी तो और दुकानें देखनी थी, अभी तो मैं बीच ट्री नहीं गई अंदर, इतनी कितना करें ना, हालत टाइट हो गई थी। रात के आपको पता है 12 बज गए थे हम जब निकले हैं वहाँ से, 12:30, तो अभी मैं कहा चलो आ जाओ, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आई थिंक खाड़ी पे जा रहे हैं, भी पता चल जाएगा।
क्योंकि खाड़ी हमारी शॉप थी, उसके पास शबाना ने भी कुछ अपनी ली थी। यह खाड़ी अमून आपको पता है वहाँ अलाउ नहीं करते सब बनाना, लेकिन स्टाफ बहुत अच्छा था और उन्होंने जो है बकायदा इतने फैंस थे मेरे, तो कहा कि नहीं 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 मैं देख के, मैंने कहा मुझे देखना है बेटी को भी दिखाना है, तो ये फैंस इधर भी आ गए। तो बहुत अच्छी मतलब वैरायटी, यकीन करें डॉलमिन मॉल वाला भी कितना बड़ा है लेकिन ये भी बहुत ह्यूज है। वो मुझे दिखाती रही, मैंने कहा बस कर दो, अब मैं थक गई हूँ मुझे नहीं देखना और ना। तो लेकिन वेरी गुड शॉप। ये जेंट्स थे कह लेंगे जी तस्वीर फैंस थे, मैं कहा नहीं मैं खाली मर्दों के साथ नहीं बनाती आप। हाँ ये इनकी वर्कर थी, नाम नहीं पता है, इस लड़के ने कहा कि बस आप देखें, और आज रात जो है कह लेंगे और डिज़ाइंस आ रहे हैं। तो मैं कहा भाई अभी तो हिम्मत नहीं कहें दोबारा आ जाइए आप लकी वन मॉल, मैंने कहा आसान नहीं है इतना दूर। तो ये कपड़े काफ़ी हैं इसके अंदर और मैंने यहाँ से ख़रीदारी भी की, आपको दिखाएंगी। ये उनकी पूरी ब्लैक एंड वाइट की रेंज है, टू पीस है बट नॉट बैड, फिटिंग अच्छी है, पजामे अच्छे सिले हुए हैं, साइज़ बिल्कुल ठीक है, कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे पसंद भी। ये देखें ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऑलरेडी पीला मेरे पास बहुत था, मैं कहा छोड़ कितने लूँगी, टू पीस करो तो फिर ज़रा महंगा पड़ रहा था 5,000 है समथिंग, मैं कहा छोड़ो, मगर वन सॉलिड कलर का नॉट बैड खाड़ी का ना, ये आप देख सकते हैं। ये देखा मैंने, प्राइस भी देखा, मुझे याद ही नहीं क्या है, उस वक्त बोलती रही और मजे से क्या माइक वो शवाना ने जो प्रेस कर दिया था। ये रेंज इसमें देखें ना, ऑरेंज पीच साइड में आप देख सकते हैं, तो आप जाएँ प्लेन सॉलिड कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा ये जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहा चलो अलीजे के लिए ले लेती हूँ ना टू पीस, क्योंकि टू पीस कम है हमारे पास, ज़्यादातर हम लोग वाइट पजामे काले पजामे के साथ कुर्तीज़ पहनते हैं, तो मैं कहने यार टू पीस लेना चाहिए। ये प्रिंट बहुत प्यारा प्रिंट था, बेसिकली ब्लैक है लेकिन ये कंपैरिजन मैं कर रही हूँ, मैंने कहा ये डार्क नेवी ब्लू लग रहा है। फिर उन्होंने दिखाया कि खाड़ी में ये जो कुछ लोग हैं बच्चियाँ हैं ये लोग बनाती हैं, ये देखें जैसे कि ना टसल्स के तौर पर हैं और सस्ती से हैं ताकि उनको प्रमोट करने के लिए ना खाड़ी पर रखा। टिपिकल खाड़ी का स्टाइल भी ऐसा है, थोड़ा सा फंकी डिफरेंट स्टाइल है। तो ये सब कपड़े के धागे के सारी ज्वेलरी बनी हुई है, और भी वैरायटी है मुझे दिखाई जाए। एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी की चेन्स हैं, अब जो लोगों को शौक हो तो ले सकते हैं। प्लस ये देखें जी ये ज़रा अच्छा था, यहाँ तक के इन्होंने छोटे से ये कैप्स बनाई हुई हैं। ये इयररिंग्स देखें, खाड़ी स्टाइल आपको चाहिए तो आप मैचिंग इयररिंग्स इस टाइप की मोतियों की और उसकी बनी हुई है। ये बहुत से हमारे जो ओवरसीज उनको अच्छा लगता है, ये बच्चों के लिए है, वो कॉल मुझे समझा रही थी तोड़े पोड़े बच्चे टूटेगा नहीं, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये अच्छी थी ये चीज़ के एनवलप्स भी हैं। अच्छा जी और ये देखिए जा नमाज दिखाई कि जा नमाज भी कि आराम से फोल्ड हो जाती है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल से रज़ाई स्टाइल है। देखें मैंने दिखाया कि बिल्कुल रोल करके जा नमाज की तरह, और यस कलरफुल सी, और भी बहुत चीज़ें थी, अब हिम्मत थी और ये टूट गई थी। ये देखिए कुछ लिखा हुआ था, अब याद ही नहीं क्या लिखा हुआ था, भारत सुनाया मैंने लेकिन मुझे खुद नहीं पता। अच्छा ये भी ना थ्री पीसेस सूट एंड दुपट्टों के साथ बुरे नहीं है, मगर ये 7,500 वाले हैं, तैयार आपको लेना है कोई झंझट नहीं। देखें शिफॉन का दुपट्टा है, दे आर रियली गुड। हाँ अब लेडीज़ हैं नए सिलवाने का टाइम है ईद के हवाले से, आई थिंक ईद उल अज़हा पे बहुत अच्छा है कि इतना होता भी नहीं, कुर्बानी में बिज़ी होते हैं, खाने बनाने में बिज़ी होते हैं, बारबेक्यू टिक्का बोटी दावते होती हैं, तो लॉन के जो जोड़े हों उस पर एम्ब्रॉयडरी हो स्टाइल हो प्लेन हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। और खाड़ी ने इतना अच्छा ही कैफ़े बनाया हुआ है क्यूट सा, जैसे यहाँ पे भी है तो ये भी बहुत क्यूट था। तो मैंने शबाना से कहा पहले पता तो सुकून से यहीं आके बैठ जाते, और रश भी नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर जो ये थोड़ा सा सेक्शन है खाड़ी का हाउस होल्ड, शबाना से कहा जाओ तुम जाओ ख़ुद से ज़रा बना कर आ जाओ, क्योंकि उन्होंने अलाउ कर दिया था हमें क्या बना लें।
और मैं ज़रा डिसाइड करने में लगी थी यार लूँ ना लूँ, कौन से लूँ क्या लूँ। तो तीन जोड़े मैंने उठाए और सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि अभी बताती हूँ आपको ले नहीं लेंगे। देखें जी कितना अच्छा सा बनाया हुआ है, आप जाएं यहाँ पर तो वैसे ही मज़ा आता है घूमने में शॉपिंग मॉल में। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिस्प्ले शबाना ने लिया है। चप्पलें इतनी सॉफ्ट नहीं है, इतनी सॉफ्ट चप्पलें थी ये देखें पर्ल्स की, बिल्कुल नीचे नहीं बस हील नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट थे, पैर नहीं दुख रहा था इसके अंदर, कुशन वाली पतली सी। तो उसने मुझे पूरी चीज़ें दिखा दी और कपड़े दे, मैं कहा नहीं भाई अब रहने दो, अब हिम्मत नहीं है। पता नहीं फिर मुझे क्या लगी, नहीं ये भी देखें ये सेक्शन अलग है खाड़ी का, ये अच्छा जिनको चुंदरी प्रिंट अच्छा लगता है। पहले मैं सोचा मम्मी के लिए लूँ, फिर मैं कहा नहीं मम्मी खुश होंगी, इतने कपड़े मेरे पास मत लेना। तब ये खुद ही वीडियो कॉल मम्मी देखें चुंदरी के प्रिंट बहुत प्यारे थे, 3-piece सूट्स थे, कितने के थे ये नहीं पता मुझे। फिर जो है बस काफ़ी है मतलब वेराइटी। और अब जो इसको इसने हाथ में पकड़े हुए, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन से जोड़े लिए खाड़ी से। तो ये तकरीबन ये वाला, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, टिपिकल जो बातिक प्रिंट नहीं होता सिंधी, मगर इसका मटेरियल इतना अच्छा है, पतली लॉन नहीं होती पतली, उफ इतना मज़ेदार मटेरियल है ना, और दुपट्टा भी लॉन का है और प्रिंट भी मुझे अच्छा लगा, लंबी सी कमीज़ है। अच्छा अगर स्लीवलेस नहीं पहना तो अंदर आस्तीने भी हैं, इसका पजामा भी बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा था। ये मैंने जो है सोच रही थी अपने ले लूँ, स्ट्राइप्स के अंदर ब्लू कलर है, तो मैंने ये भी ख़रीदा अपने लिए, ये मैंने लिया मुझे अच्छा लगा, सिलवाओ ये करो तो ठीक था, रीज़नेबल है और प्रिंट बहुत प्यारे हैं मुझे, इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे। ये मैंने अलीज़े के लिए मैं कल ले लेती हूँ, अलीज़े मैं दूसरा दिखाई थी उसने पिछली अपनी मेरे साथ गई थी ना, तो उसको वो मैं समझी 7,000 का है, पता चला 11,000 का। अलीज़े का नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और ले लूँ, मैं कहा ये तो बहुत महंगा है भाई बेकार है, एम्ब्रॉयड्री वाला था। तो ये फिर मैंने ये ख़रीदा वो ले लिया यहाँ से। तो जाहिर सी बात है बस अब मैं कहना चाहूँगी अगर आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मेरी कोशिश होती है नई नई चीज़ें, अभी ज़रा अभी भी तबीयत देखें सही नहीं है, लेकिन अभी मुझे बहुत जगह जाना है, डिफरेंट डिफरेंट कराची के मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है आप लोगों के लिए, और उसमें से अच्छी सी चीज़ें निकालेंगे। ये लास्ट हम जब निकल गए ना खाड़ी से, 250 रुपये की शॉप, जैसे अमेरिका में होते $10, तो एवरीथिंग एक चीज़ जो है